हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सेल्फ राज कंवल। फ्रेंड्स, बात करेंगे एलटी फूड्स दावत शेयर की। इस शेयर को मैंने 62 के आसपास रिकमेंड किया था, 72 के आसपास रिकमेंड किया था, फिर ये ₹100 के आसपास पहुंच गया था। वापस इसमें डाउनफॉल आया और ये 92-93 के आसपास फिर से मुझे मौका मिला। मैंने इसको फिर से रिकमेंडेशन दी कि इसका टारगेट 130 के आसपास रहेगा, और ये बात 2 महीने पहले की। आप चाहे तो मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच करें एलटी फूड्स दावत का, प्रीवियस 2 मंथ्स बिफोर, तो आपको एनालाइज होगा कि मैंने इसको 130 के टारगेट दिए थे और ₹126 के आसपास चल रहा है, और आप ये मान के चलिए अपने टारगेट्स को बहुत जल्द अचीव करेगा। फ्रेंड्स, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो क्लिक करके उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं मेरे चैनल के थ्रू हमेशा अपर बाइंग लेवल पर स्क्रिप्ट बताना पसंद करता हूँ, ताकि शेयर को डाउनफॉल ना आए, और लॉन्ग टर्म में भी शेयर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही लेवल पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा रिटर्न बना करके दे। 100 के आसपास जब ये शेयर आ गया था तब भी इसमें डाउनफॉल आया था, 75 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था, फिर वापस से 100 तक गया, फिर 90 तक आया। तो जितनी बार इसमें डाउनफॉल आया मैंने उतनी बार ही रिकमेंडेशन दी, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी लोगों को, और प्रीवियस क्वार्टर का भी जो इसका बेटर रिजल्ट था उस लेवल के अकॉर्डिंग भी, इसके जो वर्किंग लेवल है उसके अकॉर्डिंग भी, और जो इसका मार्केट में एक ग्रिप है अपने प्रोडक्ट की सेल को लेकर के, तो फ्रेंड्स सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वाला शेयर बताया था, सेफ, ताकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर ओल्ड है तो प्लीज़ वॉच करते रहिए। इन्वेस्टमेंट भले ही ना करें लेकिन मेरे बताए हुए स्क्रिप्ट को आप एनालाइज करें, और अप्रोड बाइंग लेवल स्क्रिप्ट अगर जाननी है तो मेरे चैनल से आप जुड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।